ओमती जबलपुर छोटी ओमती में लगातार फेंके जा रहे जिंदा बमों से सहमा उड़िया मोहल्ला। भरतीपुर छोटी ओमती में लगातार तीन दिनों से अज्ञात लोगों द्वारा बमबारी की जा रही, जिस पर ओमती पुलिस आंख में पट्टी बांधे मूक दर्शक बनी हुई देखने मिल रही है, जिससे छोटी ओमती में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिसके चलते आज रात करीबन 8 बजे छोटी ओमती नाले के पास अज्ञात लोगों के द्वारा 3-4 बम फेंके गए, जहां पर क्षेत्रीय जन काफी संख्या में उपस्थित रहे, जिन्हें बम के छर्रों से लोगों को चोटें भी आई, जिससे आक्रोशित जन समुदाय ने रात करीबन 9:30 बजे ओमती थाने का घेराव कर मामले को गंभीरता से लेने हेतु आवाज उठाई, जिस पर ओमती पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मर्ग कायम कर जांच में जुट गई, जिसके चलते अज्ञात स्कूटी को जब्त किया गया, जिसमें असला बारूद पाए जाने की संभावना है। विगत दिनों छोटी ओमती के युवाओं के द्वारा क्षेत्र में चल रहे नशीले अवैध कारोबार का विरोध किया गया था, जिस पर नशीले पदार्थ अवैध व्यापार में लिप्त लोगों के द्वारा क्षेत्र में बमबारी कर आतंक मचाया गया था, जिस पर ओमती पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जबलपुर मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की रिपोर्ट। इसमें एफआईआर लिखी जा चुकी है पहले से ही, उसमें नामजद एफआईआर है 20-25 लोगों पे, अन्य जो भी 100-150 लोग हैं वो भी हैं। फुटेज की तस्दीक की जा रही है, जो लोग पाएंगे उन पे एकदम अब कठोरतम एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में भी पुलिस तैनात है, ठीक है, ऐसी किसी प्रकार की जो भी घटना हो रही है उस पर तुरंत बिल्कुल पहुँच करके क्विक एक्शन लिया जा रहा है। इसमें भरतीपुर क्षेत्र पुराना बियर हाउस में पुलिस की आपकी जो सिक्योरिटी गार्ड बैठी हुई थी, अभी देखा गया वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं, और अभी बम चलाया गया है, अभी पॉइंट्स वगैरह लगे हुए हैं, हो सकता है वो अभी गश्त वगैरह लगे, पॉइंट लगे, लगातार उन्हें चेक भी किया जा रहा है, ठीक है, और आवश्यक जितना भी फोर्स होगा उतना मतलब इन्फोर्समेंट किया जाएगा उसमें। अभी किसी प्रकार का कोई खतरा ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। ये आक्रोशित जनता है, इसको क्या आश्वासन दिया आपने इसके ऊपर? नहीं, इस पर हम बिल्कुल अपने पुलिस जो भी है वैधानिक कार्रवाई करेगी, आवश्यक जो भी एक्शन लिया जाना चाहिए हम लोग बिल्कुल लेंगे। कोई ऐसा पॉलिटिकल दबाव है क्या? ऐसा किसी प्रकार का ऐसा कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है इसमें, जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से इन्वेस्टिगेशन जो फैक्ट आएंगे उनके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। खाना पीना खा के बर्तन मांज रहे थे, बच्चे लोग खेल रहे थे, अब बम का आवाज है कि बच्चे दौड़ के हम लोग बच्चे के लोग के गए लेने कि लगे ना, उधर देखे इधर धुआं और पूरा जनता दौड़ रहे, बच्चे कहाँ इधर उधर भाग गए थे। जब हम थाना हम लोग इकट्ठा आए हैं, कहाँ पे बम चली है? ये पुल के पास, ये नया पुल है ना, अखाड़े के पास, अखाड़े शंकर जी का मंदिर अखाड़ा है उधरी पे, और हम लोग बर्तन मांज रहे सामने उड़िया मोहल्ला। किसने चलाया बम? कुछ पता? सुन कर लो, गाड़ी में थे 3 लड़के। क्यों चला रहे, क्या वजह, क्या कारण? वो झगड़ा हुआ था ना, वो झगड़ा फिर शांत नहीं कर और झगड़ा कर रहे, तो वो अंचल डांट नहीं रहा कि खत्म कर और बढ़ा रहे, उसका भाव और बढ़ रहा है, अंचल दे रहा है। तो यहाँ पुलिस प्रशासन के पास आए तो पुलिस ने किस तरह से आश्वासन दिया आप लोगों? नहीं, पुलिस कुछ नहीं सुन रहा है, पुलिस कुछ नहीं सुन रहा। क्या चाहते आप? हम लोग दिल्ली चले जाएंगे, पूरा जो समाज तो दिल्ली चले जाएंगे, सब 1,00,000 जनता सब दिल्ली जाएगा, दिल्ली से हम लोग का कार्रवाई करेगा, इधर कोई नहीं सुन रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेशना। किस थाने आए हो आप लोग? अमती थाने में। अपना नाम बता दो। सुदेशना। रविवार के दिन 4 खटी लड़के आए, छोटी छोटी उम्र के, तलवार लेके लहराते हुए आए और मोहल्ले के धड़ाधड़ घुस गए, और वो एक दूसरे पर मतलब तलवार चलाने लगे। उस दिन का जो विवाद हम लोग शांत करा, उसको मारा पीटी जो भी हो, राहुल भाई को चोट आ गई, हमारे समाज के व्यक्ति है उनको चोट आई, हमारे भाई को चोट आई, उसके बाद जो सारा मसला हुआ खत्म कहानी। उसके बाद वो आए दिन कंटिन्यू बम पे बम चलाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। वो बोली आप लाके दो सबूत, वहाँ पे तो कैमरे लगे, सब कुछ लगे, पुलिस वहाँ नहीं है, यहाँ पे मेरे पर बम चला गया, उधर जहाँ पुल के पास लगा कोई पुलिस नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे। क्या मांग लेके आए यहाँ पे? यहाँ हम लोग यह है कि भाई कार्रवाई हो, हम लोग को मदद मिले, आश्वासन मिले पुलिस के। अभी बोले आप चलिए, पुलिस बोले आप वहीं चलिए, स्पॉट पे चलिए, हमारी कंप्लेन भी नहीं लिखी जा रही है। हम लोग कंप्लेन 0 पे तो आप लिखिए। मेरा नाम गगन सामल, छोटी ओमती उड़िया मोहल्ला, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। नहीं, कोई रंजिश नहीं थी भैया, वो सीधी सर संडे की घटना थी। ये ओमती थाना आ रहा था, अज्ञात लड़कों ने मेरे ऊपर बम चला है। 2 बंदे हम लोग बैठे थे, मेरे ऊपर फ्री फंड का बम चला के गए। मैं रोजी रोटी कमाने वाला इंसान हूँ, फ्री फंड पे 3 बंदों ने मेरे ऊपर एक्टिवा पे आए थे और 3 लोगों ने मेरे ऊपर बम चला के गए। कहाँ का घटना है ये? छोटी ओमती उड़िया मोहल्ला नया पुल के ऊपर अखाड़े के पास। ये 9:15 बजे की बात है सर। किसी को से क्षति पहुंची? हाँ, एक बंदे को पहुंची है सर, अभी वो थोड़ा बाहर है
और मेरे ऊपर स्पेशली मेरे ऊपर पड़ा, मैं पांव ऊपर लगा करके। क्या कारण है बम से हो रहा? तीन चार बजे सर ये हुआ, तीन दिन पहले झगड़ा हुआ था, संडे के दिन हुआ रहा।